हाय, तो आज सवारी निकली है गिरिडीह स्थित एक रिजॉर्ट जिसका नाम है उत्सव उपवन। तो ये गिरिडीह के थोड़े से आउटस्कर्ट्स में पड़ जाता है, मतलब बेसिकली जो प्रॉपर सिटी में है वो उसमें नहीं मिलता है, आपको थोड़ा सा बाहर मिल जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो रिजॉर्ट्स होते हैं वो थोड़े तो बाहर के एरिया में ही होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल रिजॉर्ट है। स्टार्टिंग में एंटर करते हुए आपको राइट हैंड साइड में एक छोटा सा मंदिर मिल जाएगा, उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो साइड में आपको ये एक हॉल देखने को मिल जाता है। उसके आगे आप बढ़ते तो यहाँ पे छोटे छोटे क्यूट क्यूट कॉटेजेस हैं काफ़ी सारे। यहाँ पे आपको तीन टाइप्स के रूम मिल जाते हैं, एक स्टैंडर्ड, एक दूसरा जो नंबर पे आता है वो कॉटेज रूम्स एंड देन प्रीमियम रूम्स। तो कॉटेज रूम का जो प्राइस है वो समवेयर अराउंड 2500 रुपीज़ है, स्टैंडर्ड का अराउंड 1500 एंड प्रीमियम का आई थिंक अराउंड 3000। थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं प्राइस में। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक गार्डन मिल जाता है, आप यहाँ पे बहुत से स्पोर्ट गेम्स खेल सकते हो, बैडमिंटन खेल सकते हो, बहुत सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हो। अगर आपको टाइम अपना पार करना है या पास करना है तो आप यहाँ पे ये जो पॉन्ड टाइप का जो एक स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप मछलियों को वॉच कर सकते हो, छोटे छोटे मछलियों को। ये बैंक्वेट का दूसरा जो एंट्री है, एंट्रेंस है, वो है पीछे वाला एंट्रेंस। यहाँ पे फंक्शंस छोटे मोटे या फिर शादियाँ भी काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आप चाहो तो आपको गार्डन मिल जाता है, बैंक्वेट मिल जाता है, रूम्स काफ़ी सारे आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये एक कॉटेज रूम हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे साइड में आपको एक अलमीरा मिल जाता है, ये ट्विन बेड वाला कॉटेज है। आप अगर आप चाहो तो आपको किंग साइज़ बेड वाला भी कॉटेज मिल जाता है। एक छोटा सा टीवी, एक मिरर, नॉर्मल एक टेबल एंड एक वॉशरूम। तो ये था एक रूम टूर। एसी एंड ऑफ कोर्स फ़ैन तो आपको मिल ही जाता है। अगर आप यहाँ पे एक दो दिन के लिए चिल करने आए हो तो आपको कॉटेज रूम में ही रहना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ये मानना है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड या फिर प्रीमियम रूम्स है ना वो प्रॉपर जो एक होटल वाला फीलिंग देता है, होटल रूम की तरह। और कॉटेज है वो बिल्कुल सामने में गार्डन, सामने में पूल, पूल का एक्सेस आपको सुबह की 6 बजे से शाम के 6 बजे तक मिल जाता है। उसके बाद वो लोग पानी में क्लोरीन डाल देते हैं, तो जिसके बाद आपको पूल में एंट्री मना हो जाता है। पानी काफ़ी ज़्यादा साफ था जैसे कि आप देख ही सकते हो। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। तो हमें ऑप्शन में उन्होंने पूछा था कि पूरी भाजी, सत्तू पराठा या फिर आलू पराठा, तो मैंने ये पूरी भाजी और उसको पूल के पास ही मंगा लिया था। आपको एक यहाँ पे साथ में रेस्टोरेंट ओपन ओपन रूफ टॉप लाइक रेस्टोरेंट है, आपको वो भी मिल जाता है साथ में। तो आप अगर शाम को जाते हो तो बहुत ही ऐसे डीम लाइट वाला रेस्टोरेंट है। खाने का टेस्ट जो है वो हमको पर्सनली कुछ खास नहीं लगा, पर ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ पे रहना। अगर आप पारसनाथ विजिट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे एक दिन स्टे करके अगले दिन आप पारसनाथ के लिए निकल सकते हो। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।